जिसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, एक के बेटा, और जब वो बेटा उसका 2 साल का होया, लोगों उस औरत का पति गुजर गया, उसका और कोई सहारा नहीं था, एक के बस पति का सहारा था, वो ही गुजर गया, बेचारी अकेली रह गई। लोगों उस औरत ने ये सोचा कि तने दूसरी शादी कर ली तो तेरे बेटे का जीवन खराब हो उसका है, इसलिए उसने अपना मन मार लिया, दूसरा ब्याह नहीं कराया, अपने बेटे पर ध्यान धर लिया। न बोली कोई बात नहीं मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरी मांग का सिंदूर तो मिट गया, लेकिन भगवान ने मेरे तो उम्मीद दे रखी, बेटा तेरे सारे दिन तोड़ दूंगी। उस औरत ने लोगों की कोठिया में पोचा लाना शुरू कर दिया, किसी के दिहाड़ी मजदूरी करनी शुरू कर दी, खेतों में काम धंधा करना शुरू कर दिया, 2 पीसियां का जुगाड़ लागी करण, भिन्ने में 4-5 हजार का जुगाड़ हो जा रहा, अपनी रोटी लागी कमाण। लोगों एकली थी, बेटे को बढ़िया स्कूल में डाल दिया, पढ़ाने लिखाने लगी, बेटा 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 15 साल का, 20 साल का हो गया। लोगों उस बेटे की उम्र 22-23 साल की जब होगी तो बेटे ने प्लस 2 पास कर ली, 12वीं पास कर ली, छोड़ ने ये बुढ़िया नु कहने लगी उसने, अरे बेटा मैं तो बुढ़ी होगी, देख कमा कमा के हाड़ काले कर लिए, मेरे बेटे मैं नू चाहू, मेरी तो जिंदगी जिसी कटी बांगी, बोली मैं नहीं चाहती बेटा तू परेशान हो, अरे मेरे लाडले मैं ये चाहती हूँ कि दूसरे देश में जाकर के और बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी बसर करे, अपना जीवन गुजारे। लोगों उस दुखिया माता के एक किला था जमीन का, उसने वो किला बेच दिया अपने बेटे खातर, और जो रुपये मिले वो रुपये अपने बेटे भर के अपने बेटे खातर उस बेटे को अमरीका में शिफ्ट कर दिया, अमरीका बेच दिया पढ़ने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, लड़कन अमरीका में रहने कई साल बीत गए, फोन पर बात हो अगर दिमाग, कई साल बाद बेटे ने वहीं पर शादी कर ली, उसका ब्याह हो गया, और थोड़े दिन बाद उसका एक छोरा भी हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ दूर गांव में फोन करा, नुबलारी माँ देखे माँ तू बुढ़ी होगी ना, तो गोड्या तेरे तो चालिया जाता ना, आख्या तो तेने डंगसर दिखता, आरी माँ फूकनी गेल फूक मार मार तू धुमा धार, रोटी काची पक्की पोए क्यों दुखी हो रहा कर, माँ तने 2 रोटी खानी है, टीम काटना, अमरीका में मेरा सूत्रा घर बना रखा, माँ तू आड़ा आ जाए तो अपने पुत ने खिलाए जाइए, अपने दिन काटने जाए। नो बोली बेटा तेरी बात जमा बढ़िया, 100% बात अच्छी है, पर मेरे लाडले मने बेरा तक होने अमरीका कड़ेसी से, मैं को सा बस में रेल में चढ़का जाएंगे तो घनी दूर बताऊ, तू मने लेना जा बेटा मैं चल पड़ूंगा। लोगों सुनना कहानी कैसे घूमती है, बेटा अपनी माँ को लेकर, माँ को लेने के लिए गांव में आ जाता है, और रोटी पानी खाकर सान बतलाने लगे, नो बुलारी माँ 5-7 दिन उड़ काटे उसने गांव गली में हंडिया फिरया, नु देख लिया इस तारीख की फ्लाइट से, उस तो पहले की बात, रात ने शाम ने बतलाने लगे, रोटी पानी खा के, बोला माँ मेरा मन में एक बात आओ है, कह दूं, बोली बेटा बोल मन में क्यों रखा है, न बोलिया माँ देखिए अपना कितना लंबा चौड़ा घर पड़िया रही है, आए माँ इसने कौन बरतेगा, देखे अपने अमरीका में इसी सुतरी कोठी रही, अपन तो उड़ रहना ये आड़ नुए नहीं पड़िया रहेगा, लिया इसने बेच दिया। न बोली बेटा कल भी तेरा एक था इस घर, पास भी तेरा इस, मैंने क्या करना बेटा, मैं कुछ छाती बदर के ले जाएंगी, कि बरा कै साल की हूँ, 5-7 साल की हूँ, 2 साल की, 10 साल की, बेटे तू इस घर ने बेच दे, कोई बात नहीं मेरे लाड लेकर तेरा न्यू मन करे है, इब तो अमरीका ना अपन अमरीका में जाना है ऐसे वैसे भी। न बोला ठीक से, लोगों गाँव में एक 1 अरब-खरब पति आदमी जो बड़ा सामाजिक आदमी था, बहुत बढ़िया इंसान था, सुगरदन नाम था उस आदमी का, उस आदमी तो बतला लिया, रातों रात नगद रुपया में वो मकान बेच दिया, रात नहीं, और मकान की पेमेंट लेके रुपये लेके सवेरे उठकर अपनी मां ने साथ में लेके लोगों एयरपोर्ट पे पहुंच गया। एयरपोर्ट जो बूढ़ी अनपढ़ माताएं बैठी उनको थोड़ा बता देता हूं, माताओं एयरपोर्ट का मतलब होता है हवाई अड्डा, जड़ा जहाज आके रुकिया करे, जड़ा तो जहाज उड़िया करे, क्योंकि एयरपोर्ट इंग्लिश का शब्द है, जोकर जहाज बस का रेलगाड़ा अगर है ना न्यू जहाज का भी उसने एयरपोर्ट बोल रहे हैं। वो अपनी माँ ने उड़े ले गया, नो बोला माँ लतू दबारी सी ब्रह्मदास अपने रेस में बैठ जा, ले मैं भीतर इस कमरे में जाकर टिकट ले आऊं। अनपढ़ थी बूढ़ी माता, उसने सोचा बस की तरिया रेल की तरिया टिकट मिलती होंगी, उसने की बिरा बेचारी ने वीजा लगवाना पड़ा है या भाई पहले टिकट बुक करनी पड़ा है। नो बोली ठीक से बेटा भीतर जाके 2 टिकट ले ला, माड़ बैठी बाहर। एक लड़का टिकट के बहाने अंदर चला जाता है, 1 घंटा बीता, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, दिन छुपू छुपू ला गया, लड़का भीतर चला गया लेकिन उल्टा नहीं आया। बुढ़िया माता परेशान होगी, माड़ी सी कमरा में जाकर उल्टी आ बैठा, ना भीतर बढ़न दे, मैं क्यों 70 डाल की चेकिंग हो एयरपोर्ट पर, कौन बढ़न दे, ID दिखा, फलाना दिखा, कौन सी टिकट बुक है, क्या है ये वो, कौन जान दे था भीतर, बाहर बैठी रही सारे दिन, मुर्गी भूखी थी साई बेचारी। सांझ के 7 बज गए, बुढ़िया उड़े बैठी रही कुर्सी पर बाट देखे,
लोगों वहां पर जो पुलिस वाले थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, जिनकी ड्यूटी लग रही थी गेट पे, उनने देखा, उनमें एक दो छोरा अपना गामा का भी था जो ड्यूटी पर लग रहा था, उन्होंने बोला देखिए या बुढ़िया माता सवेरे 9 बजे आके बैठी थी आड़े, और देखे सारे यात्री जा लिए जितने भी आई, सारे दिन की आड़े बैठी है, की रोला पूछ तो लियो इसने एक बार की बात से। एक जना मेरा वर्गा छोरा गया जाने बोला ताई आए ताई तू 9 बजे आके बैठी थी आड़े, और तना सारा दिन हो गया आड़े बैठी ने, और तू ले वह 15 मिनट में 10 मिनट में इस कमरा है मजाक कह उल्टी आड़े बैठे है आड़े आ बैठा है ताई की बात से। बोले बेटा बात के मेरा बेटा अमरीका में पढ़िया कर, बेटे मन लेन आया था और भीतर टिकट लेन बढ़िया था, सवेरे 9 बजे गया था बेटी भी आए नहीं लिया। इतनी बात सुनकर बोले हाँ ताई टिकट लेन बोले हाँ हाँ ताई के नाम था तेरे छोरेगा बेटा यू नाम था हाँ ताई बाबू का नाम यू था हाँ ताई गांव कौन सा बेटे यू जिला कौन सा यू क्योंकि वहां आईडी वगैरह सब कुछ लगाई जाती है, उसने सारा एड्रेस पता लेकर छोरेगा ने बोला ताई 2 मिनट बैठ में ही आया भीतर गया जाकर के इनके पास में सारा ब्यौरा होता है किस फ्लाइट में कितने यात्री गए हैं कौन कड़े का था आईडी वगैरह सारा ब्यौरा लिखना पड़ता है। भीतर जाकर देखा कि अमेरिका में कौन सी फ्लाइट गई है कितने कितने बजे गई हैं और उनमें कौन कौन यात्री गए हैं। जब उसने खंगाला डाटा उसमें मिला कि भाई इस आधार कार्ड का आदमी तो भाई इतने बजे की फ्लाइट में जाएगा। बार आगे बोले ताई ए ताई जिस छोरा की तू बाट देखा है ना वो छोरा तो ताई 11 बजे की फ्लाइट दे तो 11 बजे जहाज में बैठ कर अमरीका जाएगा। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया ने गसी आ गई। पुलिस वाले जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो धोड़े हो गए, ओ हो यार बुढ़िया का क्यों हो गया ताई ए ताई क्यों होया बोला ही नहीं जाड़ी जुड़ गई। एक जना बाज का पानी ले आया, पानी के छपके मुंह पर मारे, थोड़ा पानी मुंह में गिड़ा, जब बुढ़िया ने मुंह साया रोन लग गई बिलखण लग गई। बोले ए मेरे लाडले ए मेरे बेटे अरे मेरे लाल तने जाना था बेशक चला जाता मगर मेरे लाडले तने मेरे साथ ये गद्दारी मेरे साथ ये धोखा मेरी के लिए यो दगा क्यों कर रहे अरे तू अपने सूत्रे दिन अमरीका में काट रहा था और मेरी जिस भी बांगी बोली जिंदगी थी अरे काची पाकी रोटी सेक का अपना गुजारा कर रही थी दिन तोड़ रही थी राम के नाम लिया करती बेटा तने मेरी गिलान ठीक नहीं कराया। लोगों बड़े बड़े आंसू आ गए बुढ़िया माता की आख्या में दिल में दर्द जा गया रोन लग गया। बोली मेरे लाल तने बहुत बहुत घना गलत करया अरे मेरी गेलिया। लोगों फरस पे बुढ़िया माता बिखर गई रोन लग गई के कह लगी लोगो माँ की ममता क्या होती है इस भजन में जरा ध्यान से सुनना ये होते हैं असली भजन। मैं तो इसने जगराता मानू भाई बाकी अपनी अपनी सोच की बात होती है। बहुत सारे लोग ने भी कहते मेरा क्यों गाण लग गया जगराता देवी के गुण गांदा अरे वो मूर्ख तन तो गुण बिरा असली देवी सह गुण जी असली देवी तो या सह जी है ना तू जमया उसके बाद या देवी मिली है जे या नहीं होती तो इसका क्यों कर बेरा पड़ता है शेरा वाली माता से। लोग सोचते नहीं है लोग बस हुए बोले हो रहे इस माँ में और इस माँ में लोगों फर्क ना करो रहे या माँ और या माँ न्यारी को न्या क्योंकि नजर नहीं नजरिया बदलो लोगों नजरिया भगवान दिमाग दे रखा यू लाया करो मड़ा दुड़ा। बुढ़िया माता रोन लगी एयरपोर्ट पर बिखर गई और अपने बेटे को एक बात के द्वारा क्या कहने लगी ताड़ी ना बजाइयो हाथ ना ठाइयो जकारा ना लाइयो नाचियो ना खड़े ना आइयो बैठ के जाते समय एक एक बोल एक एक लाख रुपया लग दिया ऐसे मेरी गल्ला धोखा कर गया लाड मन छो
कोई के तू मने छोड़ कर चला गया, मन ते इस बात का दुखा हो मेरे बच्चे मने तेरा की बिगाड़ा था। अरे मेरे लाड में खड़े कमी रह गई मेरे लाल, मेरा प्यार कड़ा अधूरा रह गया, अरे मेरी ममता में किसी कमी रह गई। अरे बेटा अपना पेट काट काट कर तू पढ़ाया लिखाया रे, पटे पटे कपड़े टूटे लित्र पैर के लोग आगे दिहाड़ी करने जाया करती, आधी अण भूखी सो जाया करती, मगर तेरे को भूखा नहीं रहने दिया। न बोली रे बेटे एक घर था सिर छुपाने में, वह छात भी नहीं छोड़ी तने मेरे सिर के ऊपर बेटा, उस घर ने भी बेच खा गया, उसके रुपये भी बेच खा गया। अरे बेटा अरे मत जाऊं तो जाऊं कड़े जाऊं, मैंने दुखिया ने ठिकाना कड़े, लोगो नंबर दो पे सिसक सिसक कर वो ममता रो रही है और अपने नालायक बेटे को नंबर दो पर वो बुढ़िया माता क्या कहने लगी। अरे मेरे बेटे मेरे लाल, अरे सब की मैं भूल गया रे, याद कर बेटे जब चार आंगल का था ना, और जिस बिस्तर पर मैं सोया करती तने बराबर में सोया करती। मेरे बेटे जब एक साइड ने किल्ली कर दिया करता तने दूसरी साइड सुखे में सोया करती, जब दूसरी साइड भी किल्ली कर दिया करता ना पो के पाड़े में, उस किले में पूरी रात मैं पड़िया करती और तना अपनी छाती पर सोया करती। रे बेटा सब की मैं भूल गया। लोगो माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, लिख लेना मेरी बात को, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और इसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी तीन चार बेटों को पाल लेती है एक माँ, मगर अफसोस इस कलयुग में तीन चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। जब छोटे छोटे बालक होंगे ना आपस में बाण भाई लड़ेंगे ना, माँ मेरी है ना तेरी को नहीं, मेरी है न्यू करेंगे, और जब वह माँ बूढ़ी हो जाएगी ना, सारे बालक ब्याह दिए थ्या दिए, बालक काले हो गए, बहु वाले हो गए, नौकरी वाले हो गए, फिर उस बूढ़िया का न्यू धक्के मार गए ना, माँ तेरी ये है तो ही लेजे, तेरी है मेरी को ना। उस बूढ़ी माता ने दो रोटियां के भी लल्ले पड़ जाए। लोगो मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्यों क्यों हो जाता है ऐसा? क्या दुनिया में रुपया पैसा धन दौलत मैं ले ली, क्या यही कमाने के लिए आए हैं? क्या रिश्ते नाते प्रेम ममता भाईचारा आपसी भाव, क्या ये कोई अहमियत नहीं रखता? मेरे ताज अलग न्यू नहीं समझ भाई, लोग सिर्फ रुपये के पीछे बोले हो रहे हैं। माँ बाप ने भी जब रखा है जब न्यू बेरा है, इसकी पिलसना हुआ भी नड़ दिन जय पिलसन बंद कर देना सरकार, मैं गारंटी दूं लोगों वृद्धा आश्रम में जगह को नहीं पावे, इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो शुक्र है थोड़ी बहुत पिलसन मिले है। सच कह रहा हूं मैं खुद वृद्धा आश्रम में जाता हूं लोगों, मैं खुद जाता हूं वृद्धा आश्रम में, इसे इसे बुढ़े हैं कहानी सुने को जानती कलजा खड़ा हो जा जानते छाती गलाऊ सर पे आते रहे पुचकार लोगो, अरे पूछने लग जाने ताऊ आड़ा क्यों कराया,
बेटा मेरे कर्म वाड़े थे, और पूछने लग जाता वो बेटे कड़े हैं, बेटा मेरा बेटा विदेश में रहता है, मेरा बेटा अमेरिका में, छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया में, बड़ा बेटा कनाडा में, बहू फलानी जगह, ताऊ तो मैं माछरा में वृद्धाश्रम में दुखी रहा। लोगो आज लोग अपने बड़का ने विदेश में तो भेजने लग रहे हैं, भाई भेजो कोई बात नहीं, लेकिन न्यू सोच लो खड़ा खुद खोदने लग रहे हो। मने अभी पाछा कोरोना काल था ना भाई साहब, सच बता रहा हूं, एक वीडियो देखी, कल जा खड़ा हो गया देख के, ऊपर एडिंग पता क्या लिख रखी उस वीडियो के, बेटे ने किया माँ का ऑनलाइन अंतिम संस्कार। एक के बेटा और वो विदेश में जा रहा, पाछा तो माँ गुजर गई, पड़ोसिया ने दाह संस्कार कर, उसका वीडियो कॉल कर रहा, रो 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 के उसने सारी रस्म पूरी करने लग रहा। क्या रुपया इतना जरूरी हो गया है मरते टाइम माँ बाप को मुखाग्नि देने का, बेटे का होता बेटा आग दे अपनी हाथा दे, और कंधिया बना उसका कंध बैठा के लेके जा, क्या वो कंधा भी नसीब नहीं हो गया, रुपया इतना जरूरी हो गया लोगो, माँ बाप ने ठोकर मार दो। हाथ है भाई मने दुनिया का कोई आदमी आगे नो के देना रामधन भाई, तने सारी दुनिया की दौलत दे देंगे, तो अपने माँ बाप से न्यारा हो जा, मैं उस आदमी ने मार दूंगा, जान तो मार दूंगा उस आदमी ने, सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं। अरे माँ बाप जैसी चीज धरती पर पावे को न्या भाई, मेरा माँ को न्यारा लोगो 2016 में जाली वा जननी मैया देवी इस दुनिया दे, मेरा दिल ने पूछ के देखो आज तक कड़ी छाती करके गाना लाग रहा हूँ इस भजन ने, ना तो लोगो इस भजन में आज शुरू क्या नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ रोने के लिए नहीं आया, आपको जगाने के लिए आया हूँ, आपको समझाने के लिए आया हूँ, चाहे तो मान जाओ लोगो, अपना खड्डा खुद ना खुद रहे, दो रोटी कमा लो, थोड़ा कम ब्योत में रह लो, पर अपने वतन में रहिए, अपने माँ बाप के पास रहिए, अपने समाज में रहिए। लोगो जे बापू गुजर गया माँ गुजर गई, उड़ता आन कौन दिया, एक दमाना आसान नहीं है, विदेश में से सारी उम्र तो खा रहेगा, रुपये के चक्कर में मैंने मेरे बाप की मुखाग्नि भी नहीं दे पाया, कांधिया भी नहीं बन पाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं कहना ये चाहता हूं कि धन दौलत कमाओ जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन इतनी भी जरूरी कोने के रिश्ते नाते का ठोकर मार दो, उनकी छाती पे पैर धर के विदेश में जाकर रुपया कमाओ। मैं खिलाफ हूँ इस चीज का, मन जमा भी पसंद नहीं, दो रोटी आड़े खा लो। बुढ़िया माता रोन लागी ने बोले, रे बेटे तेरा इतना घमंड हो गया, तू विदेश में रहने लगे, तने घर बना लिया, तेरे बहु सुतरी आ गई, तेरा बेटा हो गया, तेरा तनु हो गया, माँ तनु है अंडे से, अरे उसके बाद भी तेरा नहीं भरा, मेरा घर भी बेच खा गया, फिर भी तेरा जमीर मर गया, रे जुलम कर दिया बेटी तने, अरे पाई पाई जोड़ जोड़ के पढ़ा लिखा था, मगर ये नहीं पता था, देखे अपनी छाती का दूध जो प्या करती ना, नू सोचा मेरा बेटा थोड़ा जवान हो जाएगा, मगर मन न्यू नहीं भरा था, मैं सांप ने दूध प्याऊ और जवान हो गई, मन न डसागा। बुढ़िया फूट फूट कर रोन लगी, नंबर 3 पे एयरपोर्ट पर फर्श पर बिखर गीवा माता के कण लगी लोगो। जिस माँ ने जन्म दिया भरोसा नहीं, मैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं करता, सच कहता हूं, जय भगवान तड़के ठा लो, मगर मैंने गम को न्या इस बात का कि मेरी इतनी छोटी उम्र भगवान ने दी, मैं राज्य होकर हंसते हंसते भगवान के दरबार में जाऊंगा, क्योंकि मैंने अनुभेरा है, हे परमात्मा जितने दिन भी जिया कम से कम कर्म तो सुतरे करे। लोगो हो सकता है दोबारा मैं आपकी नगरी में आऊं ना आऊं, लेकिन जोड़ी करके मांगता हूं इन बड़े बुजुर्गों की कदर, इन बाण बेटियां की कदर रह लोगो, और इस गौ माता की कदर, ये 3 बात मेरी पल्ले गांठ लाइयो, मैं तारा छोटा भाई तारा बेटा हूँ, मेरी इन बातों ने कदे ना बुलाइयो। आई एम नॉट ए सिंगर, मैं एक भजनी नहीं हूँ, मैं एक गायक नहीं हूँ,
मैं एक हिंदू राष्ट्र का एक ऐसा नागरिक हूँ जिसने अपने मन में बीड़ा ठाया है, जगराता नहीं, जागृति कीजिए लोगों, जागृति की जरूरत है। रात ना जगाओ, अपने आप को जगाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो माँ के साथ गद्दारी करता है कीड़िया की कुंडों में भी जगह ना मिले, और जो माँ की सेवा करता है ना, माँ भवानी जगदम्बे पाथरी आली बेरी आली गुड़गामे आली देवसर आली जम्मू आली बनभोरी आली सारी देवी बिना बुलाए घर आ जाएगी, इतनी कृपा आ जाएगी सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है, सारी देवी माता मेरे सर के ऊपर 24 घंटे हाथ रखती हैं। कारण क्या? सिर्फ यूए, क्योंकि मुझे आप लोगों के अंदर, आपके अंदर देवी नजर आती है। जिस आदमी ने, आदमी में भगवान नजर दिया होगा तो उड़ा होगा, बंदे में गुराम। अगर हम आपकी कदर नहीं करेंगे बाण बेटियों माताओं, तब माता रानी क्यों कर राजी होगी ना बताओ? पहले तुम्हारी इज्जत जरूरी है, फिर मेरी मैया रानी बिना बुलाए घर आ जाती है। नंबर 4 पर सबे के मैंने लिख दिया।